Hello everyone, this is Dr. Dumesh Magendra and welcome back to another video of Explore My University MBBS. और आज मैं हूँ एक बहुत ही prestigious medical university of Russian Federation के साथ, जो जिसका नाम है Siberian State Medical University. Siberian State Medical University situated है Tomsk City में, जो कि 137 बेस्ट स्टूडेंट सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रैंक में है अकॉर्डिंग टू QS रैंकिंग. और इस यूनिवर्सिटी की खास बात ये है कि ये टॉप थर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ रशिया है और इसकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है दैट इज़ 531. और इस यूनिवर्सिटी की सबसे एक और प्लस पॉइंट ये है, जो भी बच्चे इंडिया से आना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट चीज़ इस यूनिवर्सिटी में ये है कि ऑन कैंपस सारे डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं. तो अगर आप हॉस्टल से एक बार कैंपस में एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको सारे डिपार्टमेंट्स मिल जाते हैं. फॉर एग्जांपल 8 बजे की आपकी मॉर्निंग की क्लास है, शाम के 5 बजे तक क्लासेस चल रही है, तो बीच में जो लंच ब्रेक होगा आप यहाँ से हॉस्टल जाएंगे, हॉस्टल यहाँ पर सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है. और जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं जो कि क्लासेस अलग अलग होती है, तो वो आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहीं पर घूम के अपनी सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. सो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है. और सबसे बेस्ट चीज़ इस मेडिकल यूनिवर्सिटी की ये है कि ये 135 इयर्स ओल्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जिसको टीचिंग और ट्रीटिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा पुराना है. 135 साल पुराना इनको एक्सपीरियंस है. इनके जो हॉस्पिटल्स हैं वो मैं आपको अगले वीडियोस में दिखाऊंगा. आज हम इस वीडियो पे सिर्फ कैंपस विजिट करेंगे, कैंपस के टूर करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं. जैसे कि आप मेरे राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, दिस इज़ लाइक एनाटॉमी डिपार्टमेंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी है. 1888 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था. उसके अलावा जो पीछे पुरानी जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं आप, वो बिल्डिंग्स हैं लाइक बायोलॉजी वगैरह की बिल्डिंग है. सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री की बिल्डिंग है. और यहाँ पर और भी जो क्लासेस लगती है वो हम एक एक चीज़ करके देखेंगे. यहाँ पर कुछ रेडियोलॉजी के भी क्लासेस हैं, वो आगे थोड़ा चल के हम देखेंगे. अभी हम यहाँ पर देखेंगे जो स्टूडेंट एरिया में कैंपस, यहाँ पर कैंपस में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है लाइक कैंटीन एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं. सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस वीडियो और हम दूसरे जगह पे जाके देखते हैं, दूसरे बिल्डिंग्स में जाके देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा कैफ़े, कौन सा कैंटीन, किस किस जगह पे कैसे कैसे अवेलेबल है. और यहाँ पर आप अपना जो आफ्टर क्लासेस वाला जो टाइम होता है, जो क्लासेस के गैप में जो आपको लाइक क्लासेस के लिए जो 5-10 मिनट का गैप मिलता है या फिर आधे घंटे का जो गैप मिलता है, तो आप हॉस्टल ना जाके यहाँ पर अगर आप कुछ खाना चाहें, यहाँ पर ही कुछ पढ़ना चाहें विद अ कप ऑफ कॉफ़ी, तो आप किस तरीके से यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होगी वो हम देखेंगे. सो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लाइक सारे डिपार्टमेंट्स आसपास हैं, तो हम कैफ़े जाने के पहले एक और बिल्डिंग देख लेते हैं. दिस इज़ अ हाइजीन बिल्डिंग, यहाँ पर हाइजीन डिपार्टमेंट अवेलेबल है. तो अभी एनाटॉमी से हम जैसे सिर्फ लाइक 10 मीटर्स ही चला होगा, ये दूसरा एक डिपार्टमेंट आ गया जो कि आपके थर्ड ईयर में पढ़ाई कराई जाएगी. नेक्स्ट हम आगे चलते हैं यहाँ के कैफ़े में. यहाँ पर जो कैफ़े है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है हमारे एक फेमस कैफ़े के साथ साथ, जिसका नाम है स्टारबक्स. बट हमारे पास, हम स्टूडेंट सिटी ऑफ द वर्ल्ड में लोकेटेड हैं और साइबर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हर चीज़ पढ़ाई से रिलेटेड है. तो हमारे पास जो कैफ़े है यहाँ पर, उसका नाम है स्टारबक्स. तो यहाँ पर जो बच्चे हैं अपने टाइम पे यहाँ पर आके लाइक जब इनको ब्रेकफास्ट करना होता है या फिर लंच वगैरह के टाइम पे यहाँ पर आके यहाँ पर कुछ अपने डिश एंजॉय कर सकते हैं, कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं. और दूसरा एक कैफ़े है जिसका नाम है सिबिस्की ब्लिनी. तो यहाँ पर लाइक पैनकेक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा बच्चे यहाँ पर लाइक स्टार्टिंग में, तो मुझे भी पसंद नहीं था बट अभी के टाइम पे पैनकेक्स मुझे पसंद है. तो यहाँ पर जो भी बच्चे यहाँ पर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं लाइक रशिया में, तो उनको एक टाइम के बाद धीरे धीरे एडाप्शन हो जाता है और जो रशियन ब्रेकफास्ट है, रशियन लाइक फूड्स है, उनसे उनको प्यार होने लगता है. तो एक सिबिस्की ब्लिनी भी है जहाँ पर बच्चे ब्रेकफास्ट और लंच के लिए यहाँ पर आ सकते हैं. A few moments later. So this is a Starbucks, और आज हम वो चीज़ें एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे जब आप यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आते हो और यहाँ पर अपनी जो जर्नी है सिक्स ईयर तक की आप जब यहाँ पर कंटिन्यू करोगे, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो मेरे तरफ से जितना हो सके, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर लूँ, क्योंकि मेरी स्टूडेंट लाइफ तो ख़त्म हो गई. मैं अब उस काम पर हूँ जहाँ पर मैं आने वाले फ्यूचर डॉक्टर्स को हम ट्रेन कर रहे हैं बाई टीचिंग,
मेथड और उनको प्रोवाइड कर रहे हैं एडमिशन, तो यहाँ पर हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम आप किसी जगह पे भेज रहे हैं तो हमारा अगर एक्सपीरियंस यहाँ पर अच्छा है तो हम आपको वो चीज़ सजेस्ट कर सकें। तो अभी मैं स्टारबक्स में हूँ और यहाँ पर मैंने कॉफ़ी ऑर्डर किया है, लेट्स सी हाउ इज़ द कॉफ़ी। सो आई गॉट दिस कॉफ़ी कैपुचिनो जो कि मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कॉफ़ी है। और यहाँ की जो वाइब है ना, जब आप यहाँ पर आएंगे तो रिगार्डलेस ऑफ एजुकेशन, और यहाँ पर एक बच्चों को एक अच्छा माहौल की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के इंजॉय कर सकें, वो ये छोटे छोटे जो प्लेसेस हैं जो कि एक अच्छे मोमेंट क्रिएट करते हैं, वो ये सारे प्लेसेस आपको अपने आने वाले जो 6 साल की जो जर्नी रहेगी वो आपको यहाँ पर देंगे। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत सारे मैं ऐसे ऐसे वीडियोज़ अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेकर आऊँगा जो कि मुझे लाइक अपने पुराने दिनों की याद दिलाएगा, और आपके साथ मैं जितने अच्छे एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ उसका मैं कोशिश करूँगा। सो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक भी करना। चलो अब नेक्स्ट हम कॉफ़ी ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट चीज़ें हम देखेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरफ जाएंगे और यहाँ पर कैसे कैसे कौन कौन सी जगह पे क्या क्या लोकेटेड है वो सारी चीज़ें इंजॉय करेंगे। अभी हम दूसरे बिल्डिंग्स में देखेंगे, दूसरे बिल्डिंग्स की तरफ जा रहे हैं, और अभी हम चलेंगे रेक्टर ऑफिस की तरफ जहाँ पर डीन्स ऑफिस भी अवेलेबल है, रेक्टर ऑफिस भी अवेलेबल है। वो पास के एरियाज हम यहाँ पर कवर करेंगे तो ताकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होगा समझने के लिए, क्योंकि आप अगर आप किसी डिपार्टमेंट में आते हैं और आप अगर आपको कुछ डीन ऑफिस या रेक्टर ऑफिस में कुछ काम आ गया तो आपके लिए वो सॉल्यूशन वहाँ पर निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा, और आप अपना जाके जो भी डॉक्यूमेंटेशन के वर्क हैं वो भी कर सकते हैं यहाँ पर पास में। सो अभी साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पुरानी यूनिवर्सिटी होने के साथ साथ ये रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो एक ये पूरी बिल्डिंग है जो कि रिसर्च के लिए प्रॉपर डेडिकेटेड है, और ये एनाटॉमी डिपार्टमेंट से ज़्यादा दूर है नहीं, काफ़ी ज़्यादा नियर बाई एरियाज़ में ये सारी चीज़ें लोकेटेड है। तो आप देख सकते हैं ये रिसर्च सेंटर है। अभी हम थोड़े आगे जाएंगे तो अपने को लाइक दूसरे बिल्डिंग्स मिलेंगे, दूसरे डिपार्टमेंट्स यहाँ पर मिलेंगे अवेलेबल, और यहाँ पर जो डीन ऑफिस वगैरह है वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। जैसे कि मैंने साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, आज कैंपस हम टूर कर रहे हैं ना, तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है जो कि हमें सोचने की बात है, क्योंकि रशिया में अगर आप आए हुए हैं तो बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जहाँ पर उनके पास फैकल्टीज़ इंग्लिश नहीं होती और वो इंग्लिश मीडियम होने का दावा करते हैं, बट ये यूनिवर्सिटी 2016 से लाइक इंडियन स्टूडेंट को पढ़ा रही है फुल इंग्लिश मीडियम में। अभी तक ऑलरेडी 3 बैच ग्रेजुएट हो भी चुका है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी पासिंग रेट भी है, तो इंग्लिश मीडियम यहाँ पर है और यहाँ पर लोग भी इंग्लिश बोलते हैं, और यहाँ पर कुछ साइन बोर्ड वगैरह भी अगर हम देखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक साइन बोर्ड है तो यहाँ पर भी पूरे इंग्लिश में लिखी हुई है, आगे अगर हम साइन बोर्ड देखते हैं वहाँ पर भी इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप कैंपस में कहीं घूम रहे हैं या फिर किसी डिपार्टमेंट जाना है तो साइन बोर्ड यहाँ पर सारे इंग्लिश में भी अवेलेबल है, जो कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि थर्ड ईयर तक जाते जाते आप काफ़ी ज़्यादा रशियन के वर्ड सीख जाते हैं और रशियन अल्फ़ाबेट सीख जाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है किसी भी जगह पर जाने के लिए। और थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर पूरे के पूरे लाइक बहुत सारी जगह पर, थर्ड ईयर में मोस्टली 30% आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस लाइक क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा, और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ईयर सारे क्लासेस हॉस्पिटल में होती है जहाँ पर आपको पेशेंट से मिलाया जाएगा और आप पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करेंगे, तो आपको रशियन बोलनी आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो पढ़ाई होगी वो प्रॉपर इंग्लिश में होगी पूरे कंप्लीट 6 ईयर तक, बट जो पेशेंट के साथ जो इंटरेक्शन होगा, जैसा कि मैं इंडिया में अगर मैं प्रैक्टिस करूँ तो अगर मैं इंडिया में किसी पेशेंट से इंटरेक्शन करूँगा तो उससे मैं उनके लोकल लैंग्वेज में हिंदी में, या फिर मैं हरियाणा में तो हरियाणवी में, तमिलनाडु में तो तमिल में, तो जहाँ पर लोकल लैंग्वेज पे होते हैं वहाँ पर हम उस तरीके से बात करते हैं। रशिया में एक लैंग्वेज है रशियन लैंग्वेज, तो हम उस पर फोकस करते हैं, इसलिए फर्स्ट ईयर से ही थर्ड ईयर तक बच्चों को लाइक कुछ क्लासेस ऐसी होती जो कि रशियन मीडियम लाइक रशियन मीडियम की एक क्लास यहाँ पर पर्टिकुलर कराई जाती है, ताकि थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर की जो जर्नी हो जो आपकी हॉस्पिटल को लेकर होगी वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगी। तो अभी हम देखेंगे रेक्टर ऑफिस की तरफ, आगे चलते हैं तो बस थोड़ी दूर में ही सारा कैंपस है, यहाँ पर आप नॉर्मल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपको यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है ना वो आपका काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है। आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस भले ही लाइक 3,40,000 के आसपास अगर आप पे कर रहे हैं, लाइक लास्ट ईयर की फ़ीस जो थी 2023 बैच की वो 3,40,000 थी, इस साल हो सकता है थोड़े बहुत चेंजेस आए 10-12,000 के
अगर वो आते भी हैं तो फिर भी आपका जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में आप हर महीने के 10,000, 12,000, 15,000 जो पे करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपके सेव हो जाएंगे। मैं रेक्टर ऑफिस के बिल्डिंग के जस्ट सामने हूँ और ये मेन रोड है। ये सामने का एरिया जो है पार्किंग का एरिया है, मेन रोड है, और यहाँ से हम यूनिवर्सिटी के मेन बिल्डिंग के पास हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये वाले जो बेसमेंट की जो खिड़कियाँ हैं, यहाँ पर पॉली क्लिनिक अवेलेबल है जो कि साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की है। और एक यहाँ पर ये जो डिपार्टमेंट है जो कि पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट प्लस रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट इस जगह पे अवेलेबल है, इस जगह से एंट्री है, तो वो हम आगे आने वाले वीडियोस पे आपको दिखाएंगे। और ये कुछ पुराने स्कल्पचर्स यहाँ पर मौजूद हैं और जो कि डिफाइन करते हैं यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को और यहाँ के मेडिकल जर्नी को। नेक्स्ट हम ये जो बिल्डिंग बनाई गई थी वो 1941 को बनाई गई थी, तो उसके बारे में इन्होंने मेंशन किया हुआ कि जो ये ऑफिस बना हुआ है, रेक्टर ऑफिस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई है, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है ये मेन बिल्डिंग है साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, जहाँ पर जो भी बच्चे फर्स्ट डे अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं इस मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ, वो इसी ऑफिस से स्टार्ट करते हैं, इसी बिल्डिंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट डे जब भी बच्चे यहाँ पर आते हैं तो हम यहाँ पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जो कि है वाइट कोट सेरेमनी। तो जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो जो फर्स्ट डे हमारे साथ आप इस जगह पे आएंगे और यहाँ पर वाइट कोट सेरेमनी कराई जाएगी। जब आप वाइट कोट पहन के उसके बाद आप अपने MBBS की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, सो प्रॉपर ओथ सेरेमनी होगा, सारी चीज़ें होगी। और आपको कुछ वीडियोस आपको हमारे चैनल पे वो ऑलरेडी अवेलेबल भी है और उसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। बट आप आगे तक देख सकते हैं, वो जो आगे वाली जो ये जो रोड जा रही है, ये सारे के सारे पूरे डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, प्लस ये रेक्टर ऑफिस की बिल्डिंग है, प्लस यहाँ पर पॉली क्लिनिक भी अवेलेबल है। कुछ साइंटिस्ट के स्कल्पचर बने हुए हैं यहाँ पर, स्कल्पचर्स बने हुए हैं, जैसे कि ऊपर में आप देख सकते हैं जो ये है, वो सारे साइंटिस्ट के स्कल्पचर्स यहाँ पर बने हुए हैं, जो कि यहाँ पर पुराने डॉक्टर्स थे, पुराने प्रोफेसर्स थे, पुराने साइंटिस्ट यहाँ पर, जो उन्होंने नोबेल प्राइज विनर है, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी काम किया इस मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को इतने 135 साल से आज तक लाने में और एक अच्छे पोजीशन में पहुँचाने के लिए, वो सारे यहाँ पर अवेलेबल है। आने वाले टाइम पे मैं आपको यहाँ के हॉस्पिटल्स भी दिखाऊंगा और आई थिंक ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना, और कुछ भी अगर डाउट हुआ तो कमेंट करना। मैंने इसमें इस वीडियो पे आपको 70-80% कॉलेज का कैंपस दिखाया हुआ है, और नेक्स्ट जो आपका जो काम रहेगा वो ये रहेगा कि जो बाकी जो जर्नी है वो आप खुद से देखें। और अगर आपको इस कॉलेज के बारे में और जानना है तो आप कमेंट या फिर कॉल करके हमें पूछ सकते हैं, तो आपको जितने हो सके हम अपनी तरफ से डिटेल्स देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर जो आपकी पढ़ाई की जो जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगी, आपके एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छी मिलने वाली है, जो यहाँ पर ट्रीटिंग का जो एक्सपीरियंस है इनका, जो यहाँ के डॉक्टर साहब को सिखाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो आई कैन गारंटी यू विल बी वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट डॉक्टर एंड द गुड डॉक्टर फ्रॉम इफ़ यू टेक एडमिशन फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इस वीडियो के बारे में और भी कुछ चीज़ें शेयर करेंगे, ताकि आपको किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में जानने के लिए और ख़ासकर साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।